युवा कप्तान ऋषभ पंत की अगुवाई में दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपने पहले मैच में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। दिल्ली की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से मिले 189 रनों के लक्ष्य को पृथ्वी शॉ और शिखर धवन के विस्फोटक अर्धशतकों के दम पर आसानी से हासिल कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दोनों के लिए पहला मैच बुरा साबित हुआ। पहला धोनी कप्तान जो बने थे उनको तो क्लीन बोल्ड हो गया और मैच के बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने उन पर जुर्माना भी लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ स्लो ओवर रेट के लिए चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर 12 लाख रुपए जुर्माना लगा है। दरअसल बीसीसीआई के जो नए नियम हैं उनमें ये बात बताई गई है कि अब हर टीम को 90 मिनट में 20 ओवर पूरे करने होंगे। इससे पहले नियम था कि 20 ओवर 90 मिनट में शुरू किया जाए, लेकिन अब 1.5 घंटे के अंदर हर हाल में निर्धारित 20 ओवर खत्म करने ही होंगे। आपको बता दें कि 90 मिनट में टीम को 2.5 मिनट के 2 टाइमआउट भी मिलेंगे, मतलब टीमों को 85 मिनट में कुल 20 ओवर फेंकने होंगे। इस हिसाब से 1 घंटे में हर टीम 14.11 ओवर फेंकने में कामयाब रहेगी। अब आपको बता दें, दूसरी और हार के बाद धोनी ने कहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल के पहले मैच में खराब प्रदर्शन के बाद उनके गेंदबाजों को अपनी गलतियों से सबक लेना होगा। धोनी ने कहा कि हम बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे, गेंदबाज अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके, बेहद ढीली गेंदें डाली, उन्होंने सबक ले लिया है और आगे वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। धोनी ने कहा कि ओस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है और उसे ध्यान में रखकर हम ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहते थे। बहरहाल आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताएं। धोनी पर लग चुका है जुर्माना 12 लाख रुपए का। सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।